नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। 6 दिनों से लापता छात्र नजीब के मामले में देर रात उबला जेएनयू। गुस्साए छात्रों ने वीसी और रजिस्ट्रार समेत 10 लोगों को बनाया बंधक। पूरे मामले पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। मुलायम परिवार में जारी है घमासान। एमएलसी उदयवीर सिंह ने मुलायम को चिट्ठी लिखकर की अखिलेश को पार्टी का मुखिया बनाने की मांग। आसनसोल में बाबुल सुप्रियो पर हमले का वीडियो आया सामने। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा सुप्रियो पर हमले का आरोप। वहीं वीडियो में एक पुलिसकर्मी की टोपी उतारते हुए नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला। 12 सरकारी कर्मचारियों को किया बर्खास्त। राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल होने का है आरोप। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। सांबा, पुंछ और राजौरी सेक्टर में फायरिंग। सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के तीसरे डिबेट में पुतिन पर भिड़े ट्रंप और क्लिंटन। हिलेरी ने ट्रंप को पुतिन की कठपुतली करार दिया तो ट्रंप ने कहा व्लादिमीर पुतिन से चिढ़ती हैं क्लिंटन। और फिरोजशाह कोटला में आज न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे खेलने उतरेगी टीम इंडिया। पहले वनडे में भारत ने एक तरफा जीत दर्ज की थी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।